हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल, अश्वमेध विद्यालय। बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन पार्ट वन जो है सेक्शन डी, हम लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन हो गया है। वो क्या है? निबंध है, कहानी है और कहावतें। तो सेक्शन डी हमारा फिनिश हो गया है। सेक्शन ए जो है वो है एमसीक्यूज, वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आंसर है गद्य और पद्य के, वो आपको खुद रीड करने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो मैं आपको अभी रिवीजन करवाऊंगी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, वो आपको आपकी नोटबुक में से रीड करने होंगे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, वो मैं आपको अभी रिवीजन करवाऊंगी। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। बच्चों, दो काव्य है, बेटी और धरती की शान, ये दोनों आपको बाय हार्ट करना है, मतलब पूरा आपको ये रीड करना है और समझना भी है, क्योंकि इसी में से काव्य पंक्ति पूर्ण भी करनी है और उसके भावार्थ भी हमें समझाने हैं। सेक्शन डी, निम्नलिखित शब्दों से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। मैं आपको ऑलरेडी, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाया ही है और आपको नोटबुक में लिखवाया भी है, तो आपको ये रीड करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो मैं आपको जब भी हमारा लेसन फिनिश होता है मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ विशेष प्रश्नों की, तो आज हम वो देखेंगे। पहला है चैप्टर एक, बेटी। MCQs, जीवन में उन्नति करने के लिए डैश आवश्यक है, शिक्षा। बेटी डैश का चांद बनेगी धरती का। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, तारा बनूंगी डैश बनूंगी सहारा। धरती पर चमकूंगी मैं डैश करूंगी उजियाला। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं डैश करूंगी मेहनत। दुनिया को देखूंगी मैं डैश को समझूंगी दुनिया। डैश को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी हवा। वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, जो आपको सूचना है ना वो दो बार रीड करो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ अब कड जो है ना वो सिर्फ टिक कर देते, उसको राइट कर देते, लेकिन मैंने इसमें लिखा है कि चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। इसका एक मार्क होता है और आप नहीं लिखते हो, इसलिए मैं आपको आधा मार्क्स ही देती हूँ। तो आपको गगन पे चमके चंदा, बाद में उसका जो आंसर है वो आपको पूरा लिखना है फिर से, सिर्फ आपको अ ब क उसमें से चुनकर नहीं लिखना है। समझ में आया? आगे देखते हैं। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पर चमकूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। अब आएगा चैप्टर नंबर 2, हम भी बने महान। तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? 2 रुपए में। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? पुणे में। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे डैश कहते हैं, अतिथि। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? रमेश। हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? हराम खोर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब उसके पास एक डैश बची थी चवन्नी। समारोह के मुख्य डैश थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानरे, तो अतिथि थे। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ डैश के लिए तैयार थी, तो आएगा अल्पाहार।
कई डेस उसके कदम चूमने लगी, तो आएगा विश्व रिकॉर्ड। हजरत अली राज के डेस की जांच करने गए खजाने, किसी के धन माल की डेस मत करो लालसा। सही वाक्य सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। वस्तु से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। अभी आएगा चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा। उसमें हम लोग देखेंगे कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? जगत। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव। चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? वृद्धा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पक्षी चहचहाते हुए अपने डेस्क की ओर जा रहे थे नीड। बातचीत करते करते बात डेस्क पर जा पहुंची थी चाव पर। लोग बड़े डेस्क से उसका गीत सुनते हैं चाव से। बेटा मेरा वह आधुनिक युग का डेस्क है भीम। मेरा बेटा साक्षात डेस का अवतार है बृहस्पति। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के डेस का पाठ करते हुए आ रहा था। श्लोकों का तीनों औरतें बड़े ही डेस से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही आश्चर्य से। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा, क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया, क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया, क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उससे पहले हम लोग काल पहचानेंगे। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, भूतकाल। पूर्ण हो गया है ना, तो मैं कल अंबाजी गया था वो आएगा भूतकाल। कोई गाना गा रहा है तो उसकी क्रिया चल रही है, तो क्या आएगा? वर्तमान काल। आज ठंड ज्यादा होगी, होगी यानी अभी तक हुई नहीं है, तो उसे आएगा भविष्य काल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो आएगा वर्तमान काल। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, भूतकाल। तो चैप्टर नंबर 4 के हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? सिंगापुर का। यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते, वॉशिंगटन। रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप में यहाँ कुछ नहीं खा सकते, दुबई में। कहाँ आप सड़क पर पान की पिक नहीं थूक सकते, टोक्यो। हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते, बोस्टन में।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार डैस है निकम्मी। लोगों की शिकायत है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि डैस कचरा नहीं उठाती नगर पालिका। डैस मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे तिनाई कर। डैस भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम। किरण के गांव का नाम डैस है मेसपुरा। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सिंगापुर में आप सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। अभी है चैप्टर नंबर 5 और वो है धरती की शान। तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मनुष्य किसकी शान है? धरती की। मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तूफान। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? अंबर को। मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को। पंडित भरत व्यास क्या थे? गीतकार। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेरी मुट्ठियों में बंद है तूफान। तू जो चाहे दुनिया के डैस को भी मोड़ दे मुख को। तू जो चाहे माटी से डैस निचोड़ दे अमृत। अमर तेरे डैस मिला तुझको वरदान प्राण। तेरी डैस में तांडव का ताल है ब्रुकुटी में। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का रिवीजन, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आज फिनिश होता है। तो आपको ये वीडियो देखनी है क्योंकि हम रिवीजन की PDF सेंड नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।